नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इंडियन स्टडी के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों। आज की इस वीडियो में यूपी पुलिस जेल वार्डर फायरमैन का ऑनलाइन टेस्ट लिया गया है, जिसका लेसन नंबर 34 है, जिसमें काफ़ी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस को कवर किया गया है। और दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, वीडियो के लास्ट में आपसे क्वेश्चंस पूछता हूं और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होता है। तो आज मैं फिर आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा और आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। दोस्तों, मैं अनअकैडमी पर ही पढ़ाता हूँ। अनअकैडमी की प्रोफाइल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, तो आप एक बार ज़रूर से चेक कर लीजिएगा। और अगर आप अनअकैडमी प्लस पर मेरे साथ रेलवे के एग्ज़ाम्स की तैयारी करना चाहते हैं, तो रेफरल कोड है तारिक सर्वर 5। यहाँ से आप रेलवे के एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं अनअकैडमी प्लस प्लेटफॉर्म पर। ठीक है, तो सब्सक्रिप्शन को परचेज कर लीजिएगा विथ 10% डिस्काउंट के साथ। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है? बात्सल्य, शोक, भय या उत्साह? तो जल्दी से बता दीजिए कि भयानक रस का स्थायी भाव क्या है। तो दोस्तों, अगर हम बात करें भयानक रस के स्थायी भाव की, भैया एक्चुअल में भयानक रस का स्थायी भाव क्या है, तो आपका सही आंसर हो जाएगा भय। भय जो है ये भयानक रस का स्थायी भाव, यानी कि तीसरा ऑप्शन से आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको कि फुफेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा है? एरा, अन्न, ओला या एला? तो जल्दी से बता दीजिए फोपेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय। प्रत्यय जो है वो किसी भी शब्द के पीछे लगाए जाते हैं, तो फोपेरा शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय जो है वो है आपका एरा प्रत्यय, यानी कि इस क्वेश्चन का दूसरा ऑप्शन करेक्ट है। काव्य की शोभा बढ़ाने वाला धर्म यमन तत्व क्या कहलाते हैं? रस, समास, अलंकार या छंद? तो जल्दी से बता दीजिए कि काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म और तत्व को हम क्या कहते हैं। तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले धर्म और तत्व को क्या कहा जाता है? अलंकार कहा जाता है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। निम्नलिखित में से पर्यायवाची शब्द का चयन करना है। मधुकर का पर्यायवाची क्या होगा? भौरा, प्रभाकर, दिवाकर या अनुपम? तो जल्दी से बता दीजिए मधुकर का पर्यायवाची। तो अगर हम मधुकर के पर्यायवाची शब्द की बात करें, तो मधुकर का पर्यायवाची होगा आपका भौरा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। मधुकर का पर्यायवाची क्या होगा? भौरा। परोपकार शब्द का संधि, परोपकार शब्द में कौन सी संधि होगी? विसर्ग संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि या यण संधि? तो अगर हम बात करें परोपकार शब्द की, तो परोपकार शब्द में होगी आपकी गुण संधि। क्यों? क्योंकि गुण संधि की पहचान है आपकी कि छोटा आ और बड़ा आ के बाद अगर छोटी ई और बड़ी ई आए तो दोनों मिलकर ए हो जाते हैं, और जहाँ भी ए आए तो वहाँ पर आपका गुण संधि को ये क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। समझ रहे हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि निम्नलिखित में से ब्लोम शब्द का चयन कीजिए। अल्पजीवी का ब्लोम शब्द क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। चार ऑप्शन आपके सामने हैं अल्पजीवी का ब्लोम शब्द, तो आपका सही आंसर हो जाएगा चिरंजीवी, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका, ये आपका रीजनिंग है। आज से मैं आपको रीजनिंग जीके मैथ सभी पढ़ाऊंगा टेस्ट में, ठीक है? कई बच्चे बोल रहे थे इसलिए, तो रीजनिंग है, जल्दी से लगाइए। रीजनिंग में खुद का तर्क लगाओगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो देखो सिंपल है, 25 में 1 जोड़ो तो 26, 5 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर, 36 1 जोड़ो 37, 7 का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 और 1 जोड़ दो तो 82। तो यानी कि 82 आपका बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कोई सिंपल रीजनिंग थी, कोई हार्ड रीजनिंग नहीं है, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका XANYVOADQ के स्थान पर क्या आएगा? तो जल्दी से बता दो, एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपने कई बार पढ़ी होगी, तो जल्दी से बता दो। तो देखो आपका सही आंसर होएगा DGT। अब इसमें एक्सप्लेन करूँगा तो आप खुद समझ सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपकी अल्फाबेटिक रीजनिंग है, कहीं से भी तोड़ मरोड़ लोगे तो आपके आंसर निकल ही आते हैं मोस्टली, यानी कि बहुत सिंपल होते हैं ये, इसलिए आप समझ जाइएगा। नेक्स्ट है आपका कि LIAR को लायर को किसी को विशेष कोस्ट कोड में और रेंज को 2864 लिखा 641 लिखा जाता है, तो इस कोड भाषा में अरेंज को क्या लिखेंगे? देखो ए का कोड निकालो पहले, यहाँ से ए का आ रहा 8, ठीक है? आर का आ रहा आपका 2, 8 2 2, ठीक है? इसके बाद ए का फिर 8, यानी कि 8 2 2 8 किस में है? पहले वाले में, इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, यानी कि दूसरा तीसरा तो एलिमिनेट हो गया और चौथा भी एलिमिनेट हो गया, क्योंकि 8 2 2 8 है, तो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तीसरा ही ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट होगा, समझ रहे? नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से विषम शब्द को चुनिए।
घंटा, सप्ताह, पखवाड़ा या कैलेंडर। तो विषम शब्द हमको बताना है ऑड, तो कैलेंडर जो होगा वो आपका एक विषम शब्द है। कौन सा दोस्तों? कैलेंडर, यानी कि इस क्वेश्चन का चौथा ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि निम्नलिखित दिए गए मुहावरे में से सही अर्थ को चुनिए। आंचल पसारने मुहावरे का सही अर्थ क्या है? गरीब होना या गरीबी होना, कष्ट पाना, याचना करना या कसम खाना। तो जल्दी से बता दीजिए कि आपका सही आंसर क्या है। आंचल पसारने मुहावरे का सही अर्थ, तो आंचल पसारना मुहावरे का जो आपका सही अर्थ है वो है आपका याचना करना, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। वर्तनी के अनुसार शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। निवृत्ति किस प्रकार से लिखा जाता है? चार ऑप्शंस आपके सामने और चारों ही प्रकार से निवृत्ति लिखा हुआ है अगर हम प्रोनाउंसिएशन में देखें तो, ठीक है, लेकिन हमको बताना है वर्तनी के अनुसार, स्पेलिंग के अनुसार बिल्कुल सही शब्द। तो आपका सही आंसर हो जाएगा आपका निवृत्ति इस प्रकार से लिखा जाता है, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका कि दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं, ये हमसे पूछा गया है। 24, 36, 88 या 30। दोहे में मात्राओं की संख्या पूछी है कि एक्चुअल में कितनी मात्राएं होती हैं। तो दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? दोहे में 24 मात्राएं होती हैं, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। दोहे में कितनी मात्राएं होती हैं? 24। निम्नलिखित में से दिए गए शब्दों में से पर्यायवाची शब्द का चयन कीजिए। आत्मा का हमको पर्यायवाची शब्द बताना है। चैतन्य, नयनजल, रसाल या श्रवण। तो जल्दी से बता दीजिए कि आत्मा का एक्चुअल में सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा। तो आत्मा का सही पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो वह होगा आपका चैतन्य, यानी कि पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। आत्मा का सही पर्यायवाची शब्द क्या है? चैतन्य है। उत्तर भारत के मंदिरों को क्या कहा जाता है? द्रविड़ शैली, नागर शैली, बेसर शैली या ये सभी। उत्तर भारत के मंदिरों को क्या कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बहुत ही ज़्यादा। तो उत्तर भारत के मंदिरों को नागर शैली का कहा जाता है। किस शैली का? नागर शैली का, यानी कि दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपका कि उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकलांगों के लिए दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है? वाराणसी, अलीगढ़, चित्रकूट या बिजनौर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो उत्तर प्रदेश के किस शहर में विकलांगों के लिए दुनिया का एकमात्र विश्वविद्यालय है? तो आपका सही आंसर है चित्रकूट। कहाँ पर है दोस्तों? चित्रकूट में है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट है आपको कि भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश योगदान लगभग कितना रखता है, ये हमसे पूछा गया है। 40%, 30%, 35% या 45%। तो भारत में गेहूं उत्पादन में उत्तर प्रदेश का जो योगदान है लगभग परसेंटेज में कितना है? वो है आपका 35%, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका करेक्ट है। कितना है दोस्तों? 35%। नेक्स्ट है आपके कि निम्नलिखित में से कौन से अंग से पेस मेकर संबंधित है? लीवर, मस्तिष्क, हृदय या फेफड़ा। तो जल्दी से बता दीजिए कि पेस मेकर से संबंधित है कौन से अंग। तो वो है आपका हृदय। क्या संबंधित है दोस्तों? हृदय जो है वो पेस मेकर से संबंधित है, यानी कि तीसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। प्रार्थना सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी, ये हमसे पूछा गया है। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग, महात्मा गांधी, स्वामी विवेकानंद या महादेव गोविंद रनाडे। तो अगर हम बात करें प्रार्थना सभा की स्थापना की किसके द्वारा की गई थी, तो ये की गई थी आपकी डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग के द्वारा, यानी कि इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन से आपका कि उत्तर प्रदेश द्वारा या उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा शुरू की गई गंगा हरितिमा योजना का उद्देश्य क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और चार ऑप्शन आपके सामने, और देख लीजिए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है दोस्तों आपका चौथा ऑप्शन, एक और दो दोनों, यानी कि गंगा नदी के जल प्रवाह क्षेत्रों में हरे कवर का विस्तार करना और दूसरा गंगा के किनारे पर भूस्रावों को नियंत्रित करना, यानी कि दोनों ही ऑप्शंस आपके बिल्कुल करेक्ट है। समझ रहे हैं? तो ये सारे क्वेश्चंस जो हैं आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो कि मैंने आज की वीडियो में आपको करा दिए। तो दोस्तों आपको ईमानदारी के साथ बताना है कि आपके इस टेस्ट में कितने नंबर आ रहे हैं। अब मैं आपसे क्वेश्चंस पूछने जा रहा हूँ और उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज का जो आपका क्वेश्चन है वो ये रहे आपके सामने, सरकारी आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1983, 1982, 1981 या 1984। तो सही आंसर जो है दोस्तों वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करेंगे और अपने दोस्तों के साथ शेयर करेंगे, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये जो नॉलेज की जो वीडियो है ये सारे आपके जो दोस्त हैं उन तक पहुँचे जो कि आपका तैयारी कर रहे हैं। ठीक है,
तो दोस्तों फिलहाल की वीडियो में तो सिर्फ इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि मैं रोजाना इसी तरह की वीडियोज़ आप लोगों के लिए लाता रहता हूँ। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।